मदालसा शर्मा ने हाल ही में लोकप्रिय टीवी शो अनुपमा से अपने किरदार काव्या को अलविदा कह दिया है। उन्होंने 2020 में इस शो में काव्या का किरदार निभाना शुरू किया था और इस दौरान उनका अभिनय दर्शकों के दिल में एक खास जगह बना गया। काव्या का किरदार एक ग्रेड शेड का था जिसने अनुपमा और वनराज की शादी में कई उतार चढ़ाव पैदा किए। मदालसा ने बताया कि हाल ही के एपिसोड में उन्हें अपने किरदार में पहले जैसा मसाला नहीं दिखा, जिसके कारण उन्होंने शो छोड़ने का निर्णय लिया। मदालसा ने अपनी विदाई के बारे में कहा कि काव्या हमेशा मेरे दिल में एक खास स्थान रखेगी, लेकिन जो भी शुरू होता है उसका अंत भी होता है। अब ये समय काव्या को अलविदा कहने और नए किरदारों और कहानियों की खोज करने का है। उन्होंने शो के निर्माता राजन शाही और पूरी टीम का धन्यवाद किया जिन्होंने उनके साथ कई खूबसूरत यादें साझा की हैं। मदालसा के जाने के बाद शो में नए काव्या के लिए ऑडिशन शुरू कर दिए गए हैं। गुरदीप कोहली को काव्या का नया रोल निभाने के लिए चुना गया है। गुरदीप ने इस चुनौती को स्वीकार करने की इच्छा जताई और दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रशंसक मदालसा के अभिनय को याद कर रहे हैं और उनकी वापसी की कामना कर रहे हैं, जबकि अन्य नए चेहरों के साथ बदलाव को लेकर उत्सुक हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि गुरदीप कोहली काव्या के रूप में दर्शकों को कितना प्रभावित कर पाती हैं, क्या वो जगह बना पाती हैं जो मदालसा ने बनाई थी। मदालसा शर्मा का अनुपमा से जाना एक बड़ा बदलाव है जिसने शो की कहानी को प्रभावित किया है। उनके किरदार ने न केवल अनुपमा और वनराज के रिश्ते में कठिनाई पैदा की बल्कि दर्शकों के बीच भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। अब नए चेहरे के साथ दर्शकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और ये देखना होगा कि गुरदीप कोहली काव्य के रूप में कितनी सफल होती है। इस बदलाव से शो की दिशा में क्या परिवर्तन आएगा, ये भविष्य में देखने योग्य होगा। मदालसा का ये कदम न केवल उनके करियर बल्कि शो की कहानी को भी एक नई दिशा देगा जिससे दर्शकों को नए मोड़ देखने के लिए मिल सकते हैं।